बिलासपुर के इंदिरा भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए हिमाचल कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनावों में भाजपा के नेताओं द्वारा लोकतांत्रिक भावनाओं के विपरीत विरोधाभास वाली बयानबाजी की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा में प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक के नेताओं द्वारा इस तरह की अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इन लोकसभा चुनावों में आम जनता भाजपा को तड़ीपार करेगी, क्योंकि इस तरह के तड़ीपार व टपुरी भाषा के शब्दों का इस्तेमाल भाजपा के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के विरोधी भाष शब्दों का प्रयोग पहले कभी नहीं हुआ है। कौशल ने कहा कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव प्रियंका गांधी तथा राधा स्वामी समुदाय के लोगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं, जो कि निंदनीय है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा भी सामाजिक भावनाओं के विपरीत बली अली जैसे बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी व सांसद अनुराग ठाकुर पर हमला बोलते हुए कहा कि सांसद अपने पिता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के अस्तित्व के कारण राजनीति में आए हैं। उनका अपना कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है और ना ही कोई राजनीतिक इतिहास, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर NSUI युवा कांग्रेस पूर्व मंत्री व विधायक रहे हैं और अब भी विधायक हैं तथा किसान परिवार से संबंध रखते हैं। प्रेम कौशल ने ऊना जिला के वरिष्ठ भाजपा नेता प्रवीण शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में आरा मशीनें सर्वोच्च न्यायालय व ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों पर बंद की हुई थी। उस समय रामलाल ठाकुर ने वन मंत्री के पद पर रहते हुए सरकार के माध्यम से न्यायालय में याचिका दायर की, जिसके बाद आरा मशीनों को चलवाने के प्रयास के कारण ही ये खुल पाए थे। उन्होंने प्रवीण शर्मा पर चुनावों के समय भ्रामक प्रचार करने के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में परिवर्तन की लहर देखने को मिल रही है। भाजपा ST मोर्चा के कांगड़ा जिला अध्यक्ष रमेश जरियाल ने धर्मशाला में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस द्वारा गद्दी समाज को बांटने का कुप्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हाल ही में हिमालयन गद्दी यूनियन नाम से नई संस्था बनाई है, जिसका पंजीकरण भी नहीं हुआ है। नई बनी संस्था के एक पदाधिकारी के नाम बदलकर प्रेस वार्ता की और उक्त पदाधिकारी कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा के इशारों पर किया जा रहा है। उन्होंने पूर्व मंत्री से पूछा कि इस तरह की राजनीति ही करनी थी तो वे स्वयं चुनाव मैदान में क्यों नहीं उतरे। उन्होंने कहा कि गद्दी समुदाय को एकजुट होकर भाजपा का साथ दिया है, उस समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। कांगड़ा जिला IT सेल संयोजक चंद्र भारद्वाज ने कहा कि चुनावी बेला में गद्दी समाज के 6 उपजातियों से भेदभाव की बात कही जा रही है, जो कि राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि इससे चुनावी स्टंट बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सभी जातियों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि उपजातियों के मुद्दों पर कांग्रेस राजनीति करती है, जबकि कांग्रेसी नेता बताएं कि उन्होंने उपजातियों के लिए क्या किया। उन्होंने कहा कि चुनावी समय में घटिया राजनीति करना गलत है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग अब सभी लोगों ने अपने घरों और खेतों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए तारवार का काम शुरू कर दिया है, ताकि इन पशुओं से फसलें बचाई जा सकें। यही नहीं, इस तरीके से तारवार के कारण अब
घर भी सुरक्षित हो सकते हैं। गांव के लोग अपने घर में बंधे पशुओं को बाहर चुगाने के लिए जंगल में छोड़ते थे, लेकिन उसमें भी कुछ पशु जंगल से वापस आकर खेतों में नुकसान करते थे। कई सालों से ऐसे ही नुकसान किसान झेल रहे हैं। अब क्षेत्र के किसानों ने फसलों के सुरक्षा के साथ साथ घरों की सुरक्षा के लिए चारों तरफ तार बांध का उपयोग किया है, ताकि इस प्रकार का नुकसान ना हो सके।